जो सबसे बड़ी मूर्खाई और सबसे बड़ो माँ बाप झूठ बोले लोग कि मन पौनी नहीं रहती एडी चीजों कोई नहीं रहती एडी चीजों कुछ भी नहीं रहती जैसे आदमी जाए इन्हें मैंने तो मारो दोस्त है कि चेन्नई में काम कर रही हो तो कई मार तो मुंबई में पौनी नहीं रहती है तो मार तो के बीजी सिटी में जानो मैंने मद्रास जानो है तो अगर एडी सोच रहा को थे कि देखे नहीं बदले को मैं तो एक बात कहूँ इन 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 दुनिया ने में या अपने विशेष देश रे में सबसे ज़्यादा मारे माइग्रेट जो लेडी से हुए माइग्रेट यानी एक जगह थी दूसरी जगह जानो लेडी से विवाह करे जाए कटे भी एडी कोई वर्ल्डली होबड़ी हुआ कि छोकरी होबड़ी हुआ पानी नहीं रह तो हावरे एडो कभी होबड़ी थोड़ा कड़ू है कई बिजनेस में ऐरा भी लोग आए बिजनेस में आयर बाद में जैसे मान लो देसी पाचा के पारे पिया बीजा टका सब रेड हुए वे राजनीति में पावे तो अपने मन में यार कोई राजनीति में आवर तो नहीं रह तो लास्ट में एडो पूछो ये करें देखो भगवान है ना हर आदमी ने कुछ उद्देश्य रहते हैं मनीषा थी बनावे और मुकुब खुश नसीब होगा मैंने भगवान कुछ विशेष उद्देश्य थी बनाई हो तो हर मनक हर वास्ते वे और शायद मो वन वास्ते नहीं बनी हो भगवान ने बनाई हो नहीं है जैसे सब अबर जैसे आपकी कोई पढ़ाई जैसे मान लो एग्जाम्पल आप हजमी के पढ़ाई कोई खास मायने नहीं रखती तो आपने भी लगे कि आप कम अगर पढ़े की दूर भी तो आप अटा तक पहुँचत कम इसकी दी अटा तक पहुँची हो लगे कम इसकी दी मैं पढ़ाई की दी नहीं है ज़्यादा पहुँच भी तक कैसी पोस्टली तो वन डे में आईया जरा की दी थी मतलब अटल तक ये तो 2000 शब्द में की दी है आईया बाद में की दी थी सब सक्सेस वे गया टाइम खाली थी जरा खाली की दी है तो इनको कोई मारे इनमें के पढ़ाई रे हिसाब थी बिजनेस में कोई मायनो नहीं जरूर मैं बीजा जो कोर्स किया था जरूरी था धंधा वास्ते वे जरूर कॉमे आईया बट मारी जो लाली जो पढ़ाई है ना वह कोई नहीं है जो पांचवी पढ़ाई है वही कॉमे आई है वोटा तक आई है सब सक्सेस वे गया टाइम खाली थी जरा खाली की थी तो इनको कोई मारे इनमें के पढ़ाई रे हिसाब थी बिजनेस में कोई मायनो नहीं जरूर मैं बीजा जो कोर्स किया था जरूरी था धंधा वास्ते वे जरूर कॉमे आई है बट मारी जो लाली जो पढ़ाई है ना वह कोई नहीं है जो पांचवी पढ़ाई है वही कॉमे आई है वोटा तक आई है मतलब आप जो भी की वो पांचवी तक की थी बाद में धीरे धीरे आपने लागू की जैसे साइना जानो तो अपन अंग्रेजी सीखनी पड़ी जीव जी हवरे हवरे मेहनत रहती की आप जो फेमिली बैकग्राउंड कह रहे तो और कन टाइम में हालत थी जैसे वन टाइम में आप जन टाइम में अनफील्ड में घुसी है जन टाइम में जैसे परिवार का काम करता पापा जी है या अपने परिवार में वे रहा कोई काम करता है डायरेक्ट आप घुसिए था नहीं नहीं लगभग आप चलो रिवाइज स्टोरी जारी मारी भी थी जैनरी भी अलग भी है बाकी आप जो बीजी समाज रही है किसान था और वोटा थी आर्थिक स्थिति नो डाउट जो 20-25 साल पहले तो वहाँ टाइट थी तो वन तरीका थी पढ़ाई नहीं नहीं करते पांचवी छठी तक की थी और वनने बाद में कॉम माता आना पड़ी और वन तरीके से आई कोई नहीं तो नौकरी की थी 4-6 महीना और बाद में बिजनेस स्टार्ट की दूँ तो वजह तक आ रही सच के जो आप वन टाइम में निकले जे पोस्टवी पास करे ने वन टाइम में आपने पारे लगभग प्योरी कैरी वैल्यू थी और हमें जैसे आजकल लोग लाखों लाखों फोन पारे रखे वन टाइम में कैरी स्थिति थी कि आपने पारे मोबाइल वन टाइम में था नहीं या की आप लोगों तक जुड़िए भैया नहीं मोबाइल तो मैं खुद बिजनेस चालू की तो बाद में 6 महीने बाद में मोबाइल पहली बार देखी हुई है 3 साल बाद में मोबाइल खुद खरीदी हुई है जरूरी वे गई तो कि मैंने कहता था तो मोबाइल रे बिजनेस में था वे मोबाइल नहीं है तो मोबाइल तो अलग बात है वन टाइम में तो ही नहीं मोबाइल और कहो कि पैसा वैल्यू तो बीजारे पैसा रे टिकट माते आई था और एक जोड़ी कपड़ा में जो पहरवा रहा था वही से आई था गिरवी थी पैसे पाचा थोड़ा दाड़ा बाद में कपड़ा लीता था वही से रात रात धोन हुका था और सुबह पहरता तो वन स्थिति थी मतलब इनकी खराब तो कोई स्थिति भी नहीं रहेगी और लगभग वन टाइम में इस थी तो आर्थिक स्थिति तो खराब थी जितना भी लोग देखो वे कर्मों रे भरोसे रहे जैसे मान लो कटे जाए तो क्या वो कर्मों में जोधपुर लिखी हुई नहीं तो कर्म रे भरोसे हारे क्यों बैठे देखो कर्म तो भरोसे नहीं है भगवान कृष्ण भी किए कर्म करो फल रे भरोसे भी हो तो कर्म तो वे अगर वनटे तो वे आलसी लोग हैं कि जिन्हें कोई नहीं कर्म तो कह कर्म में वे तो आ गई वो नहीं है थे थोड़ा कम कर्म करो देन आपको आपने फल मिलाई है करी नो डाउट कुछ शक्तियाँ हैं जो अपन सपोर्ट दें वे कर्म वे है कि भगवान वे है कि माता जी वे कुछ भी चीज़ वे शक्तियाँ है पर थोने ठाने वे शक्तियों तारे सपोर्ट में है कि विपक्ष में तो थे कोई नहीं करेगा थे जो चीज़ करेगा 2-3 चीज़ों करेगा तो ईमानदारी रखेगा और थे अच्छी मेहनत करेगा और कंटिन्यू कोई भी चीज़ रो नॉलेज लेगा को बिजनेस रिलेटेड जो भी है वो थे करेगा को बाकी जो भी फल देना वो तो टाइमली अनुसार जो देना वो आवी आप लगभग वन टाइम में निकले थे पोस्टवी करने हमें आपने पारे लगभग पढ़ाई करती तक हुई और कितना लोगों ने आप सक्षम किया सक्षम तो मैं करवा वाला नहीं हूँ बट जो भी अपने आप अपना मेहनती हुए मोरे भी अजय भी जो भी हाथी काम करें तो मैं भी कोई के यार थे लाइया और थे इन्होंने मैं कम आगे किधर सपोर्ट किया सपोर्ट कोई नहीं करता मैं हमारे ग्रेजुएट हिसाब से कोई लोगों हाथे लाऊँ कि हमारे भी कॉम है और वे अत्री अच्छी मेहनत करें वन रहे वो अधिकार पाए तो वन तरीका थी वे और कहो कि पढ़ाई हाँ पढ़ाई देखो पढ़ाई
एक्चुअली मैं मुँह थोड़ा पढ़ाई रहे अलग हूँ कि पढ़ाई जो आप 10वीं 15वीं जो भी करो ना वो दुनिया भर रो एक बहुत सारी चीज़ आप पढ़ो अन बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो एकदम मुँह तो कसरो हजमूँ कि बहुत सारे कसरो आप जमा करो पढ़ने बाद रहे मैं जो स्कूल या कॉलेज छोड़े पी जो आप जो एक्चुअल काम करना है वनमाते आवे वो सीखना पड़े ठीक है। तो मैं लिखनो वाचनो और पढ़नो ये तीन चीज़ों सीखी वरने बाद रहे मैं सब चीज़ों सीखी मारे जरूरत रही सब जिन टाइम में इंग्लिश की जरूरत पड़ी चाहे ना इम्पोर्ट चालू होगी तो जन इंग्लिश में सीखी जिन टाइम में मैं बिजनेस रहा जो रूल्स आया जो कंपनी खोली तो मैंने बिजनेस स्टडी कोर्स की दो प्रॉपरली और GST जब नव आयु तो मु 6 महीना तक खाली GST कानून पढ़ियो तो वरने जो जरूरत पड़ी है तो अगर आप एक एजुकेशन है भले इन डिग्री नहीं है हमारी डिग्री की जरूरत भी नहीं है और जो जरूरत पड़ी है अच्छा लेवल पर अगर आज अच्छो पढ़ियो लिखियो आदमी भाई टैक्स के बारे में मुँह मैंने गर्व हाथी को मैंने ज़्यादा नॉलेज है कि मैं टैक्स के बारे में पढ़ी रही तो हर चीज़ें पढ़ी और प्रैक्टिकल मूवमेंट में काम कर रही हो कि इम्पोर्ट रूल के बारे में वो मैंने ज़्यादा ठाए क्योंकि मैं ज़्यादा इन्हें में पढ़ी जो जरूरत पड़ी आज अगर मारे कोई नवो काम चालू करने में मैं जीरो नॉलेज है मैं शुरुआत करें कुछ महीनों में तैयार भेज जाऊँ तो मैं डिग्री थी ज़्यादा ही को और अगर गवर्नमेंट इन जो स्कूल और इन्नी डिग्री की बात करूँ तो 12th तक मैं दिल्ली बोर्ड थी प्राइवेट करे एंड 10 और 12 में पास की दिए इंग्लिश मीडियम थी। जैसे सब अबर जैसे आपकी पढ़ाई जैसे मान लो एग्जाम्पल आप हजमी के पढ़ाई कोई खास मायने नहीं रखती तो आपने भी लगे कि आप कम अगर पढ़े की दूर भी तो आप अटा तक पहुँच सकते कमीज की दी अटा तक पहुँची हो लगे कमीज की दी है मैं पढ़ाई की दी नहीं है ज़्यादा पहुँचवी तक कैसी नहीं पहुँचवी तो वन डे में आइए जरा की दी थी मतलब अटा तक ये तो 2017 में की दी है आइए बाद में की दी थी सब सक्सेस वे गया टाइम खाली थी जरा खाली की थी तो इन कोई मारे इनमें पढ़ाई रही हिसाब थी बिजनेस में कोई मायनू नहीं जरूर मैं बीजा जो कोर्स किया था जरूरी था धंधा वास्ते वे जरूर कौमे आई है बट मारी जो लाली जो पढ़ाई है ना वह कोई नहीं है जो पांचवी की पढ़ाई है वही कौमे आई है ना वो पे कई मारवाड़ी लोग मारवाड़ी खेतर वगे जरे के आलन के देश दुकान भी गाली है थोड़ा लाखों रुपया खर्चो करे नपी करें वोटी वन दिमाग में कम थोड़ा वन जगह फिर वो थोड़ा दिन वोटी मारवाड़ी पास के डेरा पा होते अणी लेना आप क्या कहना चाहो मैं पहले ही सोने की है कि नौकरी के बाद में जन टाइप काम करो वरना पैसा आते काम करो तो खेतरों तो सवाल ही नहीं उठते कभी इन टाइप की मुर्गाई की नहीं जाती है क्योंकि बिजनेस सबसे ज़्यादा असर्टन है और ट्रेडिंग सबसे बिजनेस सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर रिक्स में आए सेकंड ट्रेडिंग में आते हैं सब लोग मैं ट्रेडिंग में आऊँ तो ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिक्स ही है तो पैसा देकर निकालना और पैसा ऐसा आदमी का निकालना जो एक्सपीरियंस है जो ऑलरेडी बिजनेस करो बिजनेस से कमाई है कि बिजनेस से पैसा कमाना थोड़ा आसान है देन खेतर भी जब बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद साहब की बात हो रही है बाद में एक ही मारवाड़ी पास है मैं कहीं एक ठापे टकन रहूँ सीधे उदाहरण और एक ठापे टकन रहूँ थोड़ी डोरू भी वेणू पड़े परेशानी भी वेणी भूखू भी रहना पड़े ढाबे भी खाना पड़े सब चीज़ें देखी हो तो आगे बढ़े जा नहीं तो कोई व्यवहार नहीं वो वीडियो देखियो लाइक करो सब्सक्राइब करो रात गई और बात गई आप लोगों और मारो ध्यान रख दो और सब्सक्राइब चैनल पोकर जो